अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ पार्सर्स। सो बेसिकली जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ये तीन पार्सर्स हैं, बल्कि इनकी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं, या आप ये समझ लें कि सब टाइप्स हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दीज आर एक्चुअली द कैटेगरीज ऑफ पार्सर्स। सो पार्सर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स और थ्री कैटेगरीज एज शोन इन द फिगर 4.2। वो आगे नीचे फिगर आएगी जिसमें आगे इनकी भी टाइप्स, या मैं आपको ये कह सकती हूँ कि सब टाइप्स बताई गई हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास पार्सर्स हैं तो उसमें आपके पास एक कैटेगरी है यूनिवर्सल पार्सर्स, दूसरी कैटेगरी है टॉप डाउन पार्सर्स, और आपके पास जो इसकी थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ बॉटम अप पार्सर्स। टॉप डाउन पार्सर्स में फिर आपके पास ये विद बैक ट्रैकिंग होता है, इसमें आपके पास होता है द ब्रूट फोर्स पार्सर, और विदाउट बैक ट्रैकिंग में हम इसे प्रिडिक्टिव पार्सर्स भी कहते हैं। आप आगे भी देखेंगे अपने चैप्टर्स में के प्रिडिक्टिव पार्सर्स में फिर आपके पास इधर दो टाइप्स होती हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि टॉप डाउन की थ्री टाइप्स हैं, बैक ट्रैकिंग के साथ वाले को ब्रूट फोर्स और प्रिडिक्टिव वाले के आगे ये दो पार्सर्स जो हैं वो टाइप्स आ जाती हैं। बॉटम अप पार्सर्स में हमारे पास ये दो तरह के पार्सर्स होते हैं, और ऑपरेटर प्रिसिडेंस वाला पार्सर है, लेट से कि ये ए टाइप है और ये बी टाइप है, और इस बी टाइप में फिर आपके पास फर्दर ऑन थ्री टाइप्स आ जाती हैं पार्सर्स की। और यूनिवर्सल पार्सर्स को तो हम खैर इतना ज़्यादा डिस्कस ही नहीं करेंगे। अब आपका जो हमारा ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा ये टॉप डाउन पार्सर से डील कर रहा है। इसके लिए हम ये सारा काम जो है ये चैप्टर नंबर 5 में करेंगे, जिसमें हम बॉटम अप पार्सर्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम सिर्फ टॉप डाउन पार्सर्स को डिस्कस करेंगे। हाँ, इंट्रोडक्शन ज़रूर आप पढ़ेंगे कि बॉटम अप पार्सर्स होते क्या हैं, लेकिन बहरहाल हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि वो असल में क्या है। तो अब हम ऊपर चल के इन पार्सर्स की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल पार्सर है। तो यूनिवर्सल पार्सर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट द पार्सर परफॉर्म्स पार्सिंग विद एनी ग्रामर, ठीक है, जो भी आपके पास ग्रामर है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल पार्सर्स। यानी बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिवर्सल पार्सर्स, जैसे आप ग्लोबल या यूनिवर्सल वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि वो आप एक यूनिवर्सली विच इज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, तो उसको आप यूज़ कर रहे हैं। दे यूज़ पार्सिंग एल्गोरिदम्स, ये यहाँ पे हमारे पार्सिंग एल्गोरिदम्स मैंशन किए गए हैं कि ये चीज़ें यूज़ करते हैं। इट यूज़ चोमोस्किस नॉर्मल फॉर्म ऑफ द सी एफ जीज, ये हमने पीछे पढ़ ली। उसके बाद दिस मैथड इज़ इनएफिशियंट, ठीक है, और इट इज़ नॉट यूज इन कमर्शियल कंपाइलर्स। तो जब हमें एक बात शुरू में पढ़ते हुए पता चल गया कि दैट समथिंग इज़ वेरी इनएफिशियंट और वो यूज़ ही नहीं हो रहा आगे फर्दर किसी चीज़ में, तो हम उसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना कोई ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। अब हम आगे देखेंगे जो हमारी मेन चीज़ है, दैट इज़ बॉटम अप पार्सर्स, टॉप डाउन पार्सर्स, ठीक है, TDP, टॉप डाउन पार्सिंग। सो टॉप डाउन पार्सिंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग द स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल, रिपीटेडली अप्लाइंग प्रोडक्शन रूल्स फॉर ईच नॉन टर्मिनल अनटिल वी गेट अ सेट ऑफ टर्मिनल्स, ठीक है। यानी हम स्टार्ट, आपका जो स्टार्ट सिंबल होता है, ये जो आपका स्टार्ट सिंबल है बेसिकली ये एक नॉन टर्मिनल है ना, तो हम अपने नॉन टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं और उसे प्रोडक्शन रूल अप्लाई करते रहते हैं अनटिल हमारे पास सारे के सारे टर्मिनल्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होती है, वैसे ये भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही यूज़ करता है। तो उसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, अनटिल अनलेस हमारे पास सारे के सारे टर्मिनल्स आ जाते हैं। तो ये हमारा मेन मकसद होता है टॉप डाउन पार्सिंग में। तो टॉप डाउन पार्सिंग की अगर आप कोई पिक्चर भी बना के देखें तो उसमें भी वो इसी तरह है, जो कि आगे आपको एक जगह मेंशन भी की गई है। ओके, तो अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल करवाऊँ तो वो इसी तरह होगी जैसे मैं कोई लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करी, मतलब इट वुड बी नथिंग न्यू। लेट्स से यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें टॉप डाउन पार्सिंग, जो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमारे पास टॉप डाउन पार्सिंग है, लेट मी चूज द, ये टॉप डाउन पार्सिंग है। तो उसमें उन्होंने बताया कि हम अपने प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई करते रहते हैं अपने नॉन टर्मिनल्स पे, हम रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम अपने रूल्स अप्लाई करते हैं नॉन टर्मिनल्स पे अनटिल अनटिल अनलेस वी गेट टर्मिनल्स, ठीक है। तो इसकी एक बहुत आसान सी एग्जांपल ऐसे है कि लेट्स से कि एस इज़ मेकिंग ए बी सी, देन ए इज़ मेकिंग लेट्स से ए,
and b is making b and c is making small c. All right, तो अब अगर हमारे पास इसमें पार्सिंग आ जाए और हमने कोई स्ट्रिंग बनानी हो, तो लेट्स से द स्ट्रिंग इज डबल ए बी डबल सी, अगर हमने ये स्ट्रिंग बनानी है, तो आप अगर डेरिवेशन करते हैं तो उस डेरिवेशन में आप नॉर्मली क्या करेंगे, यानी आप नॉर्मली क्या करेंगे कि आप अपने इस तरह करके लिखेंगे कि जी ये हमने दो दफ़ा ए ले लिया, एक दफ़ा बी ले लिया, दो दफ़ा सी ले लिया, अब इसको आप पहले रिप्लेस करवाएंगे, फिर इसको आप सेकेंड फेज में रिप्लेस कराएंगे, इसको थर्ड फेज में करवाएंगे, इसको फोर्थ में, और फिर इसको लास्ट में करवाएंगे. तो हर स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, नॉन टर्मिनल से टर्मिनल को रिप्लेस करवा रहे हैं और फाइनली आप अपना रिजल्ट ले रहे हैं. ये कोई प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि यहाँ पे जो ये सेंटेंस लिखा हुआ था रिप्लेसमेंट का, इसका क्या मतलब है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल रिपीटेडली अप्लाइंग द प्रोडक्शन रूल्स प्रोडक्शन रूल्स फॉर ईच नॉन टर्मिनल अंटिल वी गेट द सेट ऑफ टर्मिनल्स. द आउटपुट फॉर एनी पार्सर इज अ पार्स ट्री. पार्सर जब भी जो भी पार्सर है वो एक्चुअली तो पार्स ट्री बनाता है, और पार्स ट्री का हमने डिटेल से पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है कि पार्स ट्री क्या होता है और वो किस तरह बनता है. टॉप डाउन पार्सर कंस्ट्रक्ट्स द पार्स ट्री स्टार्टिंग विद रूट and proceeds towards the children. ये root से start होता है, आपकी root होती है ये start symbol, तो ये actually आपका root भी है. Here it uses left most derivation in deriving the string. हम left most derivation use करते हैं, and the task of top down parser at any time is to replace a non-terminal by the right hand side of the rule. आपकी हमेशा, अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो भी आपकी production होती है उसकी ये आपकी होती है राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आपकी है राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या होता है, एक नॉन टर्मिनल होता है. तो उन्होंने क्या बताया कि हर वक्त पार्सर का काम क्या है कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नॉन टर्मिनल है उसको रिप्लेस करवाए राइट हैंड साइड रूल के राइट हैंड साइड से. तो जब हमने ये लिखा होता है ना, एस इज मेकिंग ए कैपिटल बी कैपिटल कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ई, तो दिस इज अ कंप्लीट रूल. ये एक कंप्लीट रूल है जिसे हम प्रोडक्शन रूल कहते हैं. तो यहां पे जब ये सेंटेंस लिखा हुआ है राइट हैंड साइड ऑफ द रूल, क्योंकि रूल को अब अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड करें तो ये इसका नॉन टर्मिनल वाला हिस्सा है और ये इसकी राइट हैंड साइड है, लेकिन ये टर्मिनल पार्ट नहीं है. उसकी वजह ये कि ये दो तो टर्मिनल है लेकिन ये तो बीच में आपके पास नॉन टर्मिनल है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर वक्त वो क्या करवाएंगे, वो नॉन टर्मिनल को अपने टर्मिनल से रिप्लेस करवाएंगे. ऐसा नहीं हम कह सकते, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे लाजमी नहीं है कि टर्मिनल्स हों, उधर भी नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं. तो इसलिए हमने ये कहा कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने नॉन टर्मिनल जो होता है, जो भी नॉन टर्मिनल है, उसको उसकी राइट हैंड साइड से, रूल की राइट हैंड साइड से रिप्लेस करवाएंगे. तो ये बेसिकली हम यहां पे कहना चाह रहे हैं. आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर. अब ये तो वही पार्सर की बात है. आगे लिखा हुआ है द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉप डाउन पार्सिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉप डाउन पार्सर इज शोन इन फिगर 4.3 एंड 4.4. वो हम नीचे देख लेते हैं. इट पार्सर इट स्टार्ट विद स्टार्ट सिंबल एस, रिप्लेस एस विद द राइट हैंड साइड दैट इज ए बी ई. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पहले वो तस्वीर चलने दिखा देती हूँ. अब यहाँ पे आप देखें कि जो आपके पीछे प्रोडक्शन रूल लिखा हुआ है, एक सेकेंड, आपके पास जो प्रोडक्शन रूल था वो प्रोडक्शन रूल कुछ इस तरह था, लिखा हुआ था ये एक तो बार बार, अच्छा सॉरी, एस में एस इज मेकिंग स्मॉल ए कैपिटल बी एंड ई, तो इसका पार्स ट्री बन गया जी ये, ठीक है, ये पार्स ट्री है. स्टार्ट सिंबल से ये सारी चीजें बन रही हैं. सबसे पहले ये हम रूट लेते हैं, ठीक है, रूट है, और ये सारे इसके चाइल्ड्स हैं. इस इन चाइल्ड्स में ये जो रूट है ये एक नॉन टर्मिनल है, और इस नॉन टर्मिनल को ये जैसे डब्ल्यू फील हो रहा है वैसे मैंने नॉन टर्मिनल लिखा है, ये नॉन टर्मिनल है, इसको हमने इसकी राइट हैंड साइड से रिप्लेस करवा दिया. ये इसकी राइट हैंड साइड है जिससे हमने इसे रिप्लेस करवा दिया, जिसमें ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, और ये दोनों जो हैं ये नॉन टर्मिनल हैं. अब हमने स्ट्रिंग बनानी थी, मेरा ख्याल है स्ट्रिंग हमने बनानी है ए बी सी, लेट मी सी, ए बी सी डी ई, हाँ जी ये हमारी स्ट्रिंग थी डी ई. तो अब ए तो हमारे पास ऑलरेडी है और एंड वाला ई भी हमारे पास ऑलरेडी है, रिप्लेसमेंट हमने दरमियान में इन दोनों की करवानी है.
तो ये देखें अब हमने इसमें क्या किया कि पहले हमने रूट से पहली बार डेरिवेशन करवाई जो कि ये आ गई है, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया। अब अगली डेरिवेशन में आप ए को रिप्लेस करेंगे बी सी से और फिर आप बी को रिप्लेस करेंगे डी से। तो ये आपको उन्होंने बताया हुआ कि ये कंस्ट्रक्शन है टॉप डाउन पार्सर की, और ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम कोई भी पार्स ट्री बना रहे थे या लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे थे आपके पिछले आपके चैप्टर्स में आपने पढ़ा। तो दैट इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट और वेरी न्यू, लेकिन यह है कि थेरी आपको समटाइम्स समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पे और भी जो उन्होंने थोड़ी सी बातचीत लिखी हुई है उसको हम कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ उन्होंने हम देख लेते हैं कि आपके पास है नाउ इन एक्सपेंडेड स्ट्रिंग देयर आर टू नॉन टर्मिनल्स, दो नॉन टर्मिनल्स है ना एक्सपेंडेड स्ट्रिंग में, हमें पता है वो था ए और बी, क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल ई तो ऑलरेडी टर्मिनल्स हैं, उनको तो हमने छेड़ना ही नहीं। विच वन डू वी एक्सपेंड फर्स्ट, हमने पहले कौन सा एक्सपेंड करना है। दिस इज रिजॉल्व बाय द पार्सर एज फॉलोइंग, एज आर टॉप डाउन पार्सेस यूजेस एलएमडी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इन रिकॉग्नाइजिंग अ सेंटेंस। अब हमें बता दिया गया कि टॉप डाउन पार्सिंग हमेशा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही यूज करेगी, तो हमें कोई मसला नहीं होगा। हैंस द पार्सर फर्स्ट सेलेक्ट्स ए फॉर एक्सपेंशन, क्योंकि ए पहले आ रहा है ना लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में, अगर आप लेफ्ट साइड से चलें तो पहले ए आता है फिर बी आता है। अब नॉन टर्मिनल ए की उन्होंने कहा कि इसके दो अल्टरनेटिव रूल्स हैं, दो अल्टरनेटिव रूल्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने ऊपर प्रोडक्शन पढ़ी थी उसमें ए इज मेकिंग बी और बी सी, यानी हमारे पास दो रूल्स बन रहे हैं। तो अब हमने और हमारी स्ट्रिंग क्या है, हमें फिर साथ लिख दी थी, हमने स्ट्रिंग बनानी है ए बी सी डी ई, और यहाँ पे बी आपका प्रोड्यूस करवा रहा है सिर्फ डी, ठीक है, और ये आपके पास पहला वाला प्रोडक्शन रूल है, ये सॉरी पहला वाला प्रोडक्शन यानी एस इज प्रोड्यूसिंग दिस। तो इसमें हमें ये तो पता चल गया था कि ए और ई को तो हमने कंसीडर ही नहीं करना क्योंकि वो तो ऑलरेडी हैं, सिर्फ ए और बी को आपने कंसीडर करना है, कैपिटल ए और कैपिटल बी को। तो हमने कहा कि जब हम कैपिटल ए को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हमने ये भी तो देखना है कि हम इसे किस चीज से रिप्लेस करवाएं, बी से करवाएं या बी सी से करवाएं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा इफ ए इज एक्सपेंडेड बाय फर्स्ट अल्टरनेटिव दैट इज बी वी कैन नॉट गेट द रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, बिकॉज हम सी को कैसे लाएंगे क्योंकि सी तो कहीं और आ ही नहीं रहा। सो द राइट चॉइस देयर इज सेकेंड अल्टरनेटिव दैट इज बी सी। सो टॉप डाउन पार्सर इज कंस्ट्रक्टेड एज फॉलोइंग, और यहाँ पे अगर ये चीजें बहुत ज्यादा हों तो तब हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बनाती है। तो द टास्क ऑफ टॉप डाउन पार्सर इज वेरी सिंपल, रिप्लेसिंग अ नॉन टर्मिनल बाय राइट हैंड साइड ऑफ द रूल। द प्राइमरी प्रॉब्लम इन डिजाइन इज इफ अ नॉन टर्मिनल हैज मोर देन वन अल्टरनेटिव, अगर तो सबका ही सिंगल सिंगल अल्टरनेटिव हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं है, आप बहुत ही सिंपली बना देते हैं। लेकिन अगर हर एक के ज्यादा अल्टरनेटिव हों और ये ना समझ आए कि आपने किस अल्टरनेटिव से बनाना है, अभी तो हम बहुत बहुत स्मॉल ग्रामर की बात करते हैं ना, लेकिन अगर हम किसी बड़ी ग्रामर की बात करें तो बहुत मसला हो जाता है। देन देयर शुड बी सम मैकेनिज्म टू डिसाइड द राइट चॉइस फॉर द एक्सपेंशन, और इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमारे पास इस पार्सर की और एग्जाम भी होती है, बहुत सी दूसरी टाइप्स भी हैं और वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स इस तरह भी आ सकती हैं कि अगर आपके पास बी की जगह भी, लेट्स से अगर बी की जगह भी हमारे पास दो ऑप्शंस होती, सिर्फ डी भी होता और सी डी भी होता, तो अब आपके पास प्रॉब्लम आ जाती कि आप सी इधर से सेलेक्ट करेंगे या ऊपर से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम इस इशू को देखें तो इस इशू में आपको पता चलता है कि अगर आपके पास एफ ए हो तो ये भी तो हो सकता है कि ए से आप फिर बी को सेलेक्ट करें और यहाँ से सी डी को सेलेक्ट कर लें, तब भी बन जाता है, या आप यहाँ से बी सी को सेलेक्ट करें और यहाँ से डी को सेलेक्ट करें, सॉरी यहाँ से, तो तब भी बन सकता है। तो इन दोनों केसेस में फिर आपके पास इशू आ जाता है, यहाँ पे आपके पार्सर ने डिसाइड करना है। पार्सर ये भी तो कर सकता है, ये भी चीज चूज कर ले, ये भी चूज कर ले, तो डबल सी हो जाए। तो इस तरह के जो इशूज हैं वो पार्सर को डिसाइड करने होते हैं, इसी की वजह से उसके लिए उसके पास डिफरेंट, यानी हमारे पास डिफरेंट उसकी टाइप्स होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास बॉटम अप पार्सर्स क्या हैं। बॉटम अप पार्सर्स को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये ज़रूर देखेंगे कि बॉटम अप पार्सिंग है क्या, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ पार्सर्स को एक तरह पूरी तरह देखना तो है। सो बॉटम अप पार्सिंग इज़ नॉट सिंपल लाइक टॉप डाउन पार्सिंग। ये सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि ये बॉटम अप पार्सिंग है। टॉप डाउन पार्सिंग उसी तरह जिस तरह हम अभी तक सारी चीज़ें कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट सिंबल लेते हैं और उसको डिराइव करते जाते हैं, जो हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन राइट मोस्ट डेरिवेशन सब कुछ है। लेकिन बॉटम अप पार्सिंग इन्वॉल्व्स रिपीटेडली रिड्यूसिंग द इनपुट स्ट्रिंग अंटिल इट एंड्स अप इन द फर्स्ट नॉन टर्मिनल दैट इज द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर। इसका मतलब यह है कि इस स्ट्रिंग को आपने उठाना है और इसको ऐसे ऐसे चलाना है कि आखिरकार आपके पास ऐसा आ जाए, यानी आपने बॉटम अप पार्सिंग करनी है।
क्योंकि वैसे तो हमारे पास स्टार्ट से स्टार्ट होता है और एंड में हमारे पास जनाब वो जो हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट सिंबल होता है, तो वो आप करते जाते हैं। अब आपने क्या करना है, इसका रिवर्स करना है, क्या आपने स्ट्रिंग को लेना है और उसको आखिरकार स्टार्ट सिंबल तक लेके आना है। लेट अस लुक एट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिड्यूसिंग द इनपुट स्ट्रिंग टू स्टार्ट सिंबल। द टास्क ऑफ द बॉटम अप पार्सर एट एनी टाइम इज टू आइडेंटिफाई सब स्ट्रिंग दैट मैचेस विद द राइट हैंड साइड, रिप्लेस द स्ट्रिंग विद लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल, और उसको हम ऊपर चलाते जाते हैं। यानी आप फॉर एग्जाम्पल ये है कि आप सबसे पहले अगर ए देखे तो आप ये सोचेंगे कि अच्छा ए एग्जैक्टली किसी नॉन टर्मिनल से रिप्लेस होता है कि नहीं होता, फिर आप देखेंगे बी सी तो आप कहेंगे कि ये किसी नॉन टर्मिनल से रिप्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो पता चला अच्छा जी बी सी तो ए से रिप्लेस हो सकता है। फिर आपने डी देखा तो आपने कहा जी इसको हम बी से रिप्लेस कर सकते हैं। जब आप इन दोनों की रिप्लेसमेंट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई, ए आपने देखा आपने कहा तो किसी से रिप्लेस नहीं हो रहा, इसको तो ऐसे ही चलने दें। बी देखा तो आपने कहा कि ये ए से रिप्लेस हो सकता है लेकिन फिर सी डी किसी से रिप्लेस नहीं होगा, तो आपने बी सी को रिप्लेस कर दिया ए से, फिर आपने डी को रिप्लेस कर दिया बी से, और ये सब कुछ आ गया, और फिर इस पूरे को आपने एस से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपने क्या किया, बॉटम अप पार्सिंग की। यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास बॉटम अप पार्सिंग को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ, ये देखें ये आपने स्ट्रिंग सबसे पहले ऊपर लिखी, ये डायरेक्टली इन दोनों को आपने ए से रिप्लेस करवाया, ये देखें फिर आपने इससे रिप्लेसमेंट करवाई और अब ये पूरा का पूरा स्टार्ट सिंबल से रिप्लेस हो गया। अब बॉटम अप पार्सिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और उसकी वजह ये है कि क्योंकि ये उस तरह सिंपली नहीं चलता जिस तरह चलना चाहिए। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि बॉटम अप पार्सिंग में उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉटम अप पार्सर इज शोन इन द फिगर 4.5। द बॉटम अप पार्सर लुक्स एट द रिड्यूसिंग द स्ट्रिंग ए बी सी डी टू स्टार्ट सिंबल एस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिड्यूसिंग द स्ट्रिंग टू स्टार्ट सिंबल। हमारे पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि इसको हमने सबसे पहले इसमें रिड्यूस करना है, देन वी रिप्लेस ए बी ई विद स्टार्ट सिंबल। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया वही लिखा हुआ है कि ए को तो हम रहने देंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसने रिप्लेस होना है या बी से या बी सी से। सिंस द टास्क ऑफ बॉटम ऑफ पार्सर एट एनी टाइम इज टू आइडेंटिफाई सब स्ट्रिंग दैट मैचेस विद द राइट हैंड साइड, रिप्लेस द स्ट्रिंग बाय द लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल। आपने मैच करना है कि किसी नॉन टर्मिनल से वो रिप्लेस हो रही है, तो राइट ऑन द मोमेंट उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बी को रिप्लेस कर दें ए के साथ, यानी स्मॉल बी को कैपिटल ए से रिप्लेस करें, तो फिर हमारी अगली चीज जो है वो नहीं बनेगी, तो इसलिए हम बी सी को रिप्लेस करते हैं। लेकिन हमारे पास वैलिड, ये देखें यहाँ पे वही बात है कि वैलिड आपके पास जो रिडक्शंस हैं उनको फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ दो से तीन रूल्स की बात कर रहे हैं और उसमें हम अपनी एक स्ट्रिंग को आसानी से रिड्यूस कर लेते हैं। लेकिन अगर इसी तरह के अल्टरनेटिव्स बहुत ज्यादा हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है और हम उसे सही तरह से रिड्यूस नहीं कर पाते। एज अ बॉटम अप पार्सर यूजेस द रिवर्स ऑफ द राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिड्यूसिंग द इनपुट स्ट्रिंग टू द स्टार्ट सिंबल। So whenever a substring is identified and reduced, it should give one step along the reverse of the rightmost derivation. हम असल में इसे reverse में rightmost derivation कर रहे होते हैं, और अगर आप इसे करके देखें तो आपको पता भी चलेगा कि basically that is what we are doing. So right now they say that so the task of bottom up parser at any time is to identify a substring that matches with the right hand side, and if that substring is replaced by left hand side non terminal, it should give one step along the reverse of rightmost derivation. और मेन डिफिकल्टी इसमें यही है कि हमने आइडेंटिफाई सब स्ट्रिंग दैट इज कॉल्ड हैंडल, हम एक हैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी इस चैप्टर में हम बॉटम अप पार्सिंग नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बॉटम अप पार्सिंग पे हमारा एक पूरा नेक्स्ट चैप्टर है, तो फिर इन इसकी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अभी आप इतना ही पढ़ें जितना इस चैप्टर में मेंशन है, क्योंकि इस चैप्टर में हमने टॉप डाउन पार्सिंग पे ही फोकस करना है, तो यहाँ पे क्योंकि आगे इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया तो अभी इनको एक्सप्लेन करने का फायदा भी नहीं है, सिर्फ आप इसका ओवरव्यू ले लें। सो बॉटम ऑफ पार्सिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डिटेक्ट द हैंडल एंड रिड्यूस द हैंडल। ये देखिए मेरी लाइन कहाँ पर जा रही है, समटाइम्स इट हैपन्स स्पेशली वेन आई यूज the tab by putting it on my lap, तो वो मेरा हाथ खुद ही कहीं बाहर चला जाता है और वो अजीब सी लाइन लग जाती है। अच्छा जी, the main difficulty is to handle, ये हैंडल को डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि अभी क्योंकि हमने डिफरेंट ये चीज़ें बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो अभी हम लोग आप देख सकते हैं कि आपके इस पूरे चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ टॉप डाउन पार्सर्स ही डिस्कस करेंगे। वैसे भी आपको ये आपके चैप्टर के स्टार्ट में भी पता होना चाहिए कि हमारा मेन टास्क जो था इसमें, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास
टॉप डाउन पार्सर्स और ये टॉप डाउन पार्सर्स की ही टाइप्स को डिस्कस करना है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देखें कि हमारे पास चैप्टर का नाम ही टॉप डाउन पार्सर्स है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो बॉटम अप पार्सिंग होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, और अब हम आहिस्ता आगे जो अगले लेक्चर्स हैं उसमें टॉप डाउन पार्सर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।